वेलकम बैक। मैं रवि तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्कूल एस्ट्रो के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हम सबको पता है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना? मालूम है ये चीज, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमारी लाइफ में डेली यूज होते हैं। कभी हमको अगर मोबाइल फाइनेंस कराना हो, या फिर बैंक से लोन लेना हो, या फिर कभी अपने दोस्तों से उधार लेना हो। फिलहाल दोस्तों को उधार लेने के बाद देता कौन है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट, चैप्टर तो चैप्टर पता होना ही चाहिए, है ना? तो इसीलिए ये चैप्टर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, और इसीलिए इसका बेसिक भी पता होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, और साथ में इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस बहुत हार्ड हो जाती हैं, टफ हो जाती हैं, तो शॉर्ट ट्रिक पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए जल्दी से फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। चलिए जल्दी से देखते हैं फिर इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करिएगा, इंटरेस्ट है क्या। इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर लिखा है इंटरेस्ट इज द एडिशनल पेमेंट ऑन टॉप ऑफ द प्रिंसिपल पेड टू अ लेंडर फॉर द राइट टू बोरो मनी। क्या मतलब हुआ इस बात का? यानी मान लेते कोई पर्सन ए है, मान लें ये एक पर्सन है, देखो कितने अच्छे बने हैं, पर्सन ए है, इनको अचानक से बहुत जरूरत पड़ गई कुछ रुपए की, है ना, कुछ रुपए की इनको जरूरत पड़ी, तो ये किसके पास गए? जाहिर सी बात है आदमी अपने दोस्त के पास जाता है, तो ये भी अपने दोस्त के पास गए, तो इनका दोस्त और बड़ा महान, इनके दोस्त ने इनकी जरूरत को देखते हुए बहुत ज्यादा रुपए दिए, मालूम कितने, 100 रुपीज। अब 100 रुपीज जो उधार के फॉर्म में दिए गए हैं वो क्या हुआ, वो यहां पर प्रिंसिपल के तौर पर यूज किया जाएगा, यानी यही प्रिंसिपल होता है, कितना रुपए उधार दिया गया है यही हमारे लिए प्रिंसिपल है। लेकिन इनका दोस्त इतना अच्छा था, इसके दोस्त ने कहा कि प्रिंसिपल यानी आप मेरे से 100 रुपए ले लो और अभी वापस करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे 1 साल बाद वापस करना, यानी यहां पर टाइम यूज हो रहा है, कितना टाइम की वैल्यू हो जाएगी, 1 ईयर। क्लियर हो गया, यानी यहां पर टाइम है 1 ईयर, लेकिन एक कंडीशन है, जब मुझे आप वापस करने आना, समझना, जब मुझे आप वापस करने आना तो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए मत वापस करना, जब वापस करने आना तो 100 रुपए के साथ साथ 10 रुपए और देना। ये जो एक्स्ट्रा मनी मांग रहा है वो, इसी को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। उसने कहा कि भाई तुम्हारा भी काम हो गया 100 रुपए से, और अब जितना काम उसका जो भी काम हुआ होगा वो तो वही जानता है, फिलहाल उसका भी काम हो गया इसके अकॉर्डिंग, और वापस जब करने आना तो मुझे भी थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए 10 रुपए का, है ना, 1 साल का समय भी तुमको मिल चुका है, तो इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा मनी दिया जाता है यही आपका इंटरेस्ट होता है। क्लियर हो गया? तो टोटल कितना रुपए दिया गया, यानी वापस कितना करना पड़ेगा, पर्सन ए को वापस करना पड़ेगा 100 पहले लिया था वो तो वापस करना ही पड़ेगा, साथ में 10 रुपीज और, यानी 110 रुपीज, और ये जो टोटल अमाउंट बना इसी को हम लोग अमाउंट कहते हैं, और अमाउंट क्या होता है, पी प्लस आई, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जितना लिया गया था वो तो देना ही है, साथ में इंटरेस्ट ऐड करके, इंटरेस्ट क्या था, एक्स्ट्रा मनी, है ना, एक्स्ट्रा मनी। क्लियर हो गया? यहां पर आपको प्रिंसिपल भी समझ में आ गया, टाइम भी समझ में आ गया, इंटरेस्ट भी समझ में आ गया, और अमाउंट क्या होता है, पी प्लस आई, वो भी मालूम चल गया। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। इंट्रोडक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? ये इंटरेस्ट रेट है, एन इंटरेस्ट रेट इज द परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल चार्ज बाय द लेंडर फॉर द यूज ऑफ इट्स मनी। क्या मतलब हुआ, जल्दी से प्रीवियस अभी एग्जांपल जो हम लोगों ने यूज किया था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। यानी प्रिंसिपल जितना रुपए उधार लिया गया था उसको प्रिंसिपल कहते हैं, तो 100 रुपए हमने उधार लिया था, इंटरेस्ट कितना देना पड़ा था हमको, 10 रुपए। अब रेट क्या है, अगर ये दो वैल्यूज आपको पता है तो आप रेट बहुत आसानी से निकाल पाओगे। रेट का क्या मतलब होता है, रेट का मतलब होता है जो आपने इंटरेस्ट दिया, यानी जो एक्स्ट्रा मनी था, जो इंटरेस्ट था, वो प्रिंसिपल का कितना प्रतिशत है, वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, वही रेट होता है। यानी इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, कैसे पता करेंगे, यानी इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट यानी स्टेटमेंट को समझिएगा, अपने आप रेट पर पहुंच जाओगे। इंटरेस्ट प्रिंसिपल का, यानी प्रिंसिपल बेस, यानी प्रिंसिपल को नीचे कितना प्रतिशत है, यानी परसेंट है, यानी 100 से मल्टीप्लाई, इजी है। इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, बस वैल्यू पुट करिए, यानी 10 रुपीज इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है हमारे सामने 100, प्रतिशत यानी परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, 00 कैंसिल आउट, आंसर विल बी 10%। यानी जब भी आपको रेट निकालना हो तो रेट का मतलब यही होता है कि जो इंटरेस्ट आया है वो प्रिंसिपल यानी जो आपका मूलधन था, यानी जो आपने उधार लिया था, उसका कितना प्रतिशत है, वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। क्लियर हो गया? ये आर भी आपका क्लियर हो गया, यानी आर कहते हैं इसको, आर के फॉर्म में लिखा जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका क्लियर हो गया। अब जल्दी से आते हैं अपने कोर कॉन्सेप्ट पे, क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट।
सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ये टाइप ऑफ इंटरेस्ट है, यानी इंटरेस्ट तो हमको समझ में आ गया एक्स्ट्रा मनी, लेकिन वो एक्स्ट्रा मनी निकालने का दो तरीका होता है, क्या? एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज्ड ऑन ओनली ऑन प्रिंसिपल ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर ये जो वर्ड ओनली लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं, ओनली ऑन प्रिंसिपल, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ही ये चार्ज होता है। कब? सिंपल इंटरेस्ट के केस में, यानी जो इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ही चार्ज होता है। यानी यहां पर एसआई के फॉर्म में मैं आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट के थ्रू बता दूं कि एसआई जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू, किससे, किसके ऊपर चार्ज किया, यानी किसके ऊपर कैलकुलेट किया था, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल से कैलकुलेट किया जाएगा और किसी से मतलब नहीं होता इसको। एसआई सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया था, ये स्टेटमेंट यही कहता है। अब जल्दी से इसका मतलब समझने के लिए हमको थोड़ा सा क्वेश्चंस पर उतरना होगा, राइट? तो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन आया आपके सामने, प्रिंसिपल है 1000, रेट है आपके सामने 10%, टाइम है 2 ईयर्स, एसआई निकालना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अभी मैंने जो स्टेटमेंट पीछे दोहराया, जो मैंने बोला उसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्या है कि जो एसआई होता है वो प्रिंसिपल पे ही चार्ज होता है, ओनली ऑन प्रिंसिपल लिखा था, राइट? तो प्रिंसिपल पे ही चार्ज होता है, इसको 2-3 बार आप बोल दीजिए, एसआई प्रिंसिपल पे ही चार्ज होता है, एसआई प्रिंसिपल पे ही चार्ज होता है, एसआई प्रिंसिपल पे ही चार्ज होता है। आप जल्दी से देखिए, यानी प्रिंसिपल है आपके सामने 1000 रुपीज, रेट है आपके सामने 10%, ध्यान से 10% पर है ना, मतलब 1 साल में आपको 10% ब्याज देना होगा। अब यहां पर टाइम है 2 ईयर्स, ध्यान से देखिए, टाइम है 2 ईयर्स, तो उसको भी नोट कर लेते हैं, टाइम है 2 ईयर्स। तो देखिए ध्यान से, हम लोग पहले साल की बात करेंगे, यानी पहले साल आपको कितना ब्याज मिलेगा, ध्यान से पहले साल आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ध्यान से प्रिंसिपल पे ही 10% मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, तो प्रिंसिपल क्योंकि ऐसा ही है तो प्रिंसिपल का ही मिलता है, तो प्रिंसिपल 1000 था, तो प्रिंसिपल यानी 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100। अब सेकेंड ईयर की बात कर लेते, जब सेकेंड ईयर आए तो क्या कुछ और, कोई और हमको इंटरेस्ट देगा? नहीं, अगेन वही बात, प्रिंसिपल पे ही चार्ज होता है, इसीलिए अगेन 1000 का 10%, यानी अगेन सिर्फ और सिर्फ 100। अब टोटल जो इंटरेस्ट आया वही आपका एसआई हो जाएगा, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 200 रुपीज। अब ध्यान से देखिए, पहले साल भी 100 है, दूसरे साल भी 100 है, ये वैल्यू चेंज क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं बदल रहा है, प्रिंसिपल का ही तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट सेम है 10%, प्रिंसिपल सेम है, तो दोनों बार देखा गया तो प्रिंसिपल का ही 10% निकालना पड़ रहा है, इसलिए हर बार आपको 100 मिल रहा है। अब ये चाहे टाइम 2 ईयर्स हो, चाहे वो टाइम 3 ईयर्स हो, 4 ईयर्स हो, 5 ईयर्स हो, हर बार आपको प्रिंसिपल का ही 10% निकालना होगा, प्रिंसिपल बदल नहीं रहा है, इंटरेस्ट रेट बदल नहीं रहा है, तो हमेशा आपको 10% यानी 100 100 100 हर बार आपको मिल रहा होगा। बात समझ में आ गई? यानी एसआई हर बार हर साल सेम होता है। क्लियर हो गया? इसी को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर ये स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है कि ये तीनों पोर्शन आपके इक्वल होंगे, सेम होंगे, यानी अगर आपको पहले वाले की वैल्यू पता चल चुकी है तो दूसरे की यानी तीसरे की, तीनों सालों की आपको इजिली एसआई आप निकाल पाओगे, क्योंकि सभी के सभी सेम होते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन और देख लेते हैं। पी है आपका ₹2000, यानी प्रिंसिपल आपके सामने गिवन किया गया है 2000 और रेट दिया गया है 20% पर एनम, राइट? टाइम है 3 ईयर्स, मैंने पहले से स्लॉट बना लिया, देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, अगेन कॉन्सेप्ट वही है, प्रिंसिपल का ही आपको इंटरेस्ट मिलता है एसआई के केस में, प्रिंसिपल का ही, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल देता है हर साल। तो प्रिंसिपल है 2000, 2000 का 20% फर्स्ट ईयर हमको मिलेगा, तो 2000 का 20% कितना होता है, 2000 का 10% कितना होता है, 200, डबल कर दो यानी 400। बात क्लियर हो रही है? 20% ऑफ 2000 हमारा हो जाएगा 400, क्लियर है? 2000 का 20% 400। अब नेक्स्ट ईयर जब आप आओगे तो नेक्स्ट ईयर भी आपको पता है कि वही सेम प्रिंसिपल, वही सेम इंटरेस्ट रेट, तो अगेन आपको 400, यानी देखो हर बार आपको सेम मिलेगा, थर्ड ईयर भी सेम ऐसा ही। तो टोटल जो होगा वही आपका एसआई हो जाएगा, और टोटल कितना जाएगा, 4 4 + 4, यानी 3 बार 4 को ऐड करोगे 12 आ गया, यानी ₹1200 आपके सामने जो टोटल अमाउंट आया, टोटल इंटरेस्ट आया, वही आपका एसआई है। क्लियर हो गया? यानी आपको अगर पहले ईयर की वैल्यू मिल गई तो आप दूसरे और तीसरे की तो आप ऐसे ही निकाल दोगे, आपको दोबारा कैलकुलेट यानी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंख मीच करके आंख मूंद करके आप लिख दोगे, है ना, क्योंकि आपको मालूम चल चुका है कि प्रिंसिपल अगर सेम है, इंटरेस्ट रेट अगर सेम है, तो हर साल सेम ही तो इंटरेस्ट आएगा, तो वही आपने यहां पर कर दिया। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी टाइप ऑफ इंटरेस्ट है ना, क्या है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट इज अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज्ड ऑन प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट रिसीव्ड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर एक नई चीज ऐड हुई, क्या,
कि जो सीआई होता है वो प्रिंसिपल पे तो चार्ज होता ही है, जैसे कि एसआई हो रहा था, लेकिन इसमें एक नया भी आ चुका है कोई, कौन, एज वेल एज इंटरेस्ट रिसीव्ड। यानी प्रिंसिपल तो आपको हमेशा हर साल आपको ब्याज देगा, लेकिन जो ब्याज मिल चुका होगा, जो इंटरेस्ट मिल चुका होगा, वो भी आपको इंटरेस्ट दे रहा होगा। यही खास बात है। यानी सीआई जो होगा वो दो लोगों से निकाला जाएगा, एक तो प्रिंसिपल, यानी खाता तो हमेशा प्रिंसिपल ही खोलेगा, सबसे पहले तो प्रिंसिपल ही देना शुरू करता है ना, प्रिंसिपल, और साथ में जो इंटरेस्ट मिल चुके होंगे हमको प्रीवियस ईयर्स के, यानी अगर हम दूसरे साल पे हैं तो पहले साल का जो इंटरेस्ट मिला होगा वो भी हमको अपना इंटरेस्ट दे रहा होगा। क्लियर हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सीआई इसलिए बड़ा भी होता है एसआई से, है ना, बड़ा भाई होता है, कहने का मतलब है, क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल पे भी चार्ज होता है और साथ में जो इंटरेस्ट रिसीव हो चुका होता है उस पर भी चार्ज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। प्रिंसिपल है आपका 10,000, रेट है 10%। देखिए जल्दी से, तो प्रिंसिपल यहां पर लिख लेते हैं, प्रिंसिपल आ गया आपके सामने 10,000 और रेट है आपके पास 10% पर एनम, यानी हर साल आपको 10% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देना होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। 2 साल की बात की जाएगी, तो सबसे पहले हम लोग स्लॉट बना लेते हैं, यानी पहला फर्स्ट ईयर का हमने स्लैब क्रिएट किया, ये आया। अब 10,000 का 10%, ध्यान से देखिए, 10,000 का 10%, क्योंकि प्रिंसिपल सबसे पहले तो प्रिंसिपल ही खाता खोलेगा, अभी इंटरेस्ट तो है नहीं जो इंटरेस्ट दे देगा, सीआई का केस है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों देते हैं, बट अभी हमारे पास इंटरेस्ट है ही नहीं, अभी सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले तो प्रिंसिपल ही आएगा, प्रिंसिपल हमेशा खाता खोलता है। तो 10,000 का 10% कितना होता है बच्चों, एक लास्ट जीरो डिलीट करना है, यानी 1,000 रुपीज, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब आप सेकेंड ईयर पे आए, देखिए टाइम 2 साल का है ना, तो जब आप सेकेंड ईयर पे आए तो अगेन सबसे पहले तो प्रिंसिपल ही देगा, सेकेंड ईयर की शुरुआत होते ही आपको सबसे पहले प्रिंसिपल देगा, यानी प्रिंसिपल ने अपना 10% दिया, यानी 1,000। लेकिन 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 अब आप सेकेंड ईयर पे हो बच्चों, और आप पहले साल का इंटरेस्ट पा चुके हो, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपके पास है, अब वो भी आपको अपना इंटरेस्ट गिराएगा, यानी ये भी 1,000 अपना इंटरेस्ट देगा, यानी 1,000 भी अपना 10% देगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 एड और हो जाएगा। क्लियर? यानी सेकेंड ईयर के केस में 1,000 तो प्रिंसिपल का आपको 10% मिला ही, साथ में जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिल चुका था उसने भी अपना 10% गिराया, यानी 1,000 का 10% हो गया 100। तो टोटल जब आप सम करोगे तो वैल्यू आपको सीआई की मिलेगी, यानी 2,100 आपका सीआई हो गया। क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये जो मैंने प्रीवियस स्टेटमेंट दिया कि ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिसीव्ड दोनों पर चार्ज होता है, उसका मतलब यही है, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? यानी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, प्रिंसिपल का 10%, यानी फर्स्ट ईयर तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ही था हमारे पास, तो प्रिंसिपल यानी 10,000 ने अपना 10% गिराया, तो 1,000 हुआ। जब आप सेकेंड ईयर पे आए तो अगेन प्रिंसिपल ने शुरुआत की, तो 10,000 का 10% आपको 1,000 मिला, लेकिन अब आपको, आपके पास फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ चुका है ना, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपके पास है, वो भी अपना इंटरेस्ट गिराएगा, यानी प्रीवियस ईयर, यानी सेकेंड ईयर पे आप हो तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट मिल चुका होगा वो भी अपना इंटरेस्ट गिराएगा, यानी 1,000 का 10% हो गया 100, टोटल सम किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 2,100। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है। आगे और अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रिंसिपल दिया है 10,000, फिर से सेम प्रिंसिपल है, लेकिन चेंज क्या हुआ है, अच्छा प्रिंसिपल बदला है ना, यहां पर 10% रेट है पर एनम के साथ, लेकिन टाइमिंग जो है वो 3 साल की है, इस बार टाइम 3 ईयर्स का है। तो सबसे पहला काम तो वही है, फर्स्ट ईयर का स्लॉट क्रिएट करते हैं, तो पहले साल देखिए अभी भी हमारे पास इंटरेस्ट नहीं, तो प्रिंसिपल ही तो है, प्रिंसिपल अपना 10% देगा, यानी 10,000 अपना 10% देगा कितना होगा, यानी 1,000 होगा, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, 10,000 का 10% आपको 10% यानी 1,000 रुपीज मिल चुका है। जब आप सेकेंड ईयर पे जंप किए तो सबसे पहले शुरुआत कौन करेगा, प्रिंसिपल ही, प्रिंसिपल ही हर साल सबसे पहले खाता प्रिंसिपल ही खोलता है, तो 10,000 का 10% आपको कितना रुपए मिला, 1,000 रुपीज, कोई डाउट नहीं। लेकिन 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 अगेन वही बात, अब सेकेंड ईयर पे आप हो, प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट आ चुका है, तो वो भी अपना इंटरेस्ट यानी 1,000 भी अपना 10% देगा, तो कितना हो जाएगा, 100 रुपीज, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, इसने भी अपना दे दिया। अब जब आप थर्ड ईयर पे आते हो तो सबसे पहले खाता तो प्रिंसिपल ही खोलेगा, सबसे पहले तो प्रिंसिपल ही देता है, तो अगेन 10,000 यानी प्रिंसिपल ने 10,000 का 10% आपको रिसीव हुआ, यानी 1,000, लेकिन प्लस अब आप थर्ड ईयर पे हो, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, अब आप थर्ड ईयर पे हो और आपके पास कितने प्रीवियस ईयर्स हो गए, अब आपके पास 2 प्रीवियस ईयर्स हो गए और सबके पास अपना अपना इंटरेस्ट है,
तो जो अपना अपना इंटरेस्ट है वो भी तो नीचे फेंकेगा अपना, यानी हर इंटरेस्ट अपना भी इंटरेस्ट देगा 10% के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले साल का जो 1000 इंटरेस्ट मिला था वो भी अपना 10% देगा, यानी 1000 का 10% कितना होगा 100 प्लस। अब ये जो सेकेंड ईयर का 1000 है वो भी अपना 10% देगा यानी 100, और साथ में जो सेकेंड ईयर का ये जो 100 छोटकू सा लटका हुआ बगल में ये भी अपना इंटरेस्ट दे देगा, यानी ये 100 अपना 10% देगा, तो 10 हो गया। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपके पास टोटल जो आप निकालोगे सम करके सबकी वैल्यू, वही आपका टोटल सीआई हो जाएगा। तो सीआई कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा 310, यानी 3310 आपका टोटल सीआई हो गया। कोई डाउट है इसमें, कोई कंफ्यूजन? एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल ही देगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, यानी 10000 का 10% हो गया हमारे पास 1000। यहां पर देखिए ये आ गया 1000। सेकेंड ईयर जब आप आए तो अगेन प्रिंसिपल नहीं शुरुआत की, यानी 10000 का 10% आपको अगेन 1000 मिला। लेकिन फर्स्ट जब आप सेकेंड ईयर आए तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिल चुका था आपको, तो उसने भी अपना इंटरेस्ट गिराया यानी 100 रुपीज, यानी 1000 का 10% तो 100 ही होगा। जब आप थर्ड ईयर आए तो थर्ड ईयर की शुरुआत भी प्रिंसिपल नहीं की, यानी 10000 का 10% आपको मिला 1000। लेकिन जब आप थर्ड ईयर पे थे तो ऊपर आप 2 साल हो चुके थे और दोनों साल के पास अपना अपना इंटरेस्ट था, वो भी एक एक करके आप अपना इंटरेस्ट देना शुरू करेंगे, यानी ये 1000 अपना इंटरेस्ट देगा तो 100 हुआ, ये 1000 अपना इंटरेस्ट देगा तो ये भी 100 होगा, और ये 100 अपना इंटरेस्ट यानी 10% देगा तो 10 होगा। टोटल सम किया तो 3310 आपका सीआई हो गया। अमेजिंग कॉन्सेप्ट, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपने कहीं इसको नहीं देखा होगा, है ना? तो इसीलिए बहुत जरूरी है, शॉर्ट ट्रिक है, और इसके थ्रू आपको कभी भी पेन और पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ओरली फाइंड कर पाओगे, बहुत ही कम समय में आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जा रहे होगे, राइट? देखिए एक चीज और यहां पर, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, एक चीज और देखते हैं, कुछ नया दिखा, क्या दिखा देखिए जल्दी से। यहां पर जब आप सीआई निकाल रहे थे 3 साल का, तो यहां पर देखिए, यहां पर ये जो 3 स्लैब दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, ये तीनों देखो सेम है। क्यों सेम है? ये सेम इसलिए है कि शुरुआत हमेशा कौन करता है? प्रिंसिपल करता है ब्याज देने की, है ना? और ये शुरुआती नंबर्स हैं, तो प्रिंसिपल तो बदल नहीं रहा है और ना ही रेट बदल रहा है, तो इसलिए ये तीनों स्लैब देखिए आपस में इक्वल हो रहे हैं। और ये क्यों इक्वल है, ये देखिए ये क्यों इक्वल हो रहे हैं, ये इसलिए इक्वल हो रहे हैं क्योंकि 1000 जो मिल चुका है तीनों बार, यानी ऊपर वाला, ये वही अपना अपना इंटरेस्ट गिरा रहे हैं, राइट? तो यानी 1000 ही तो है और रेट भी सेम है, तो इसलिए ये भी तीनों आपस में इक्वल हो रहे हैं और लास्ट वाला ये बिल्कुल डिफरेंट हो जा रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो एक बात आपको और अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 3 ईयर्स का आएगा, तब तो आपको और एफर्ट नहीं करना है। क्या? जैसे 3 ईयर्स का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 3 ईयर्स के लिए 3 ईयर्स का हम लोग स्लैब क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में यहां लाइन खींचा, यहां लाइन खींचा, यहां लाइन खींचा, प्लस सेकेंड ईयर के लिए आपके पास 2 लाइनें होंगी, थर्ड ईयर के लिए आपके पास ऐसे 4 लाइनें होती हैं टोटल थर्ड ईयर में, ठीक है? तो अब ध्यान से देखिए, ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका इक्वल होगा, यानी अगर आपको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिल गया, ये वैल्यू आपको मिल चुकी है ये वाली, तो आपको दोबारा नीचे की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हमको मालूम है ये सेम होता है, ये इक्वल होगा। इसी तरह से ये हिस्सा इनके साथ इक्वल होता है, होता है, इसीलिए जब आपको ये वैल्यू पता होगी तो आपको पता है ये भी और ये भी सेम ही होंगी, है ना? और ये क्या होता है, ये इसका इंटरेस्ट होता है, तो ये डिफरेंट हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं, तब तो और आसान हो गया, यानी अब आप तो आपको बिल्कुल कैलकुलेट भी नहीं करना, बस वैल्यू मिली और आपको वैल्यू पुट करके सीधे ऐड करके आगे बढ़ जाना है, और इजी हो गया और कम समय लगेगा अब आपको निकालने में, राइट? तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल 2000, यहां पर कॉमा का थोड़ा सा मिस्टेक है, 2000 आपका प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट रेट है, देखिए ध्यान से, इंटरेस्ट रेट है 10% और टाइम है 3 इयर्स, और सीआई निकालना है आपको। सीआई निकालना है कैसे करेंगे, देखिए प्रिंसिपल 2000 है, जल्दी से यहां पर लिख लेते हैं, प्रिंसिपल हमने लिख दिया 2000, रेट है आपके सामने 10% पर एनम, यानी हर साल आपको 10%, और 3 इयर्स यानी स्लैब ऑलरेडी क्रिएटेड है, जल्दी से निकाल लेते हैं फिर। तो 2000 का फर्स्ट ईयर यानी प्रिंसिपल ही अपना 10% देगा, तो 2000 का 10% हो जाएगा हमारे सामने 200। तो हमें मालूम है ऊपर से लेकर नीचे तक सब आपस में इक्वल होते हैं, तो ये भी हमने इक्वल कर दिया, कोई डाउट नहीं। अब ये जो पहला स्लैब देख रहे हो आप सेकंड ईयर का, ये किसका इंटरेस्ट होता है, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होता है, राइट? जो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिल चुका होता है उसका इंटरेस्ट होता था, 200 का 10% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये भी आपस में सब इक्वल होते हैं, तो ये भी आपस में डायरेक्टली हमने लिख दिया, और 20 का 10% यहां पर लिखा जाता है ना, 20 का 10% हमने यहां लिखना होता है, यानी 20 का 10% हो गया हमारा 2। अब सबको जल्दी से एड ऑन कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाता है 600, ये हो जाएगा 60, है ना? ऐड कर दो सारे वैल्यूज को, और यहां पर लिखा हुआ है 2, तो कितना हो जाएगा टोटल, सम टोटल सबका
वैल्यू हो जाएगी 662 और यही आपका हो जाएगा सी आई। कोई डाउट है इसमें, कोई कंफ्यूजन है ना? जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो है प्रिंसिपल दिया है 12,000, रेट है 10% पर एनम, टाइमिंग है 3 ईयर्स, SI और CI दोनों निकालना है इस बार, है ना? और दोनों निकालने पर ना कुछ अच्छे से और भी ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। देखो क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं, प्रिंसिपल है 12,000, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने वाले हैं आज। प्रिंसिपल है 12,000, रेट है आपके सामने 10% पर एनम यानी हर साल, है ना? टाइमिंग है 3 ईयर्स और SI और CI दोनों निकालना है। सबसे पहले हम लोग स्लैब क्रिएट करते हैं 3 ईयर्स का, ये फर्स्ट ईयर, ये इनका सेकेंड ईयर, इनका थर्ड ईयर, इनका तो तीनों इक्वल होता है, कोई डाउट ही नहीं हो कि प्रिंसिपल और रेट तीनों सेम है। इसमें स्लैब थोड़े से बढ़ जाते हैं, है ना? कैसे कैसे हो जाते हैं अभी हमको याद है, फर्स्ट ईयर में एक ही लाइन होती है, सेकेंड ईयर में 2 लाइन होती हैं और थर्ड ईयर में 4 लाइन्स होती हैं, याद है ना? जिसमें कि ये पोर्शन आपस में पूरा इक्वल हो जाता है, याद है? और ये पोर्शन आपस में इक्वल हो जाएगा यहां तक पूरा, और ये आपका जो एंड वाला होता है वो डिफरेंट होता है। चलिए जल्दी से फिर करते हैं। तो SI के केस में प्रिंसिपल का आपको, प्रिंसिपल का 10% मिलेगा, यानी 12,000 का 10% कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ, 1,200 हो जाएगा। तो ये भी सब इक्वली होता है SI में, हम लोग पीछे कर चुके हैं, तो ये भी 1,200 हो गया। यहां पर CI निकाल लेते हैं जल्दी से, CI का यानी सबसे पहले प्रिंसिपल ही अपना 10% देगा, तो 1,200 होगा। और हमें मालूम है कि ये पहली लाइन पूरा जो कॉलम होता है वो पूरा इक्वल होता है रो, तो ये भी सब आपका 1200 1200 1200 हो गया। अब जल्दी से यहां पर क्या लिखा जाएगा, 1200 का 10% यानी इनका 10% गिरेगा, तो यानी 120 हो गया, तो ये भी 120 हो जाएगा और ये भी 120 हो जाएगा, और यहां पर क्या होता है इनका 10% यानी 12 हो जाएगा। तो इनका जो सम टोटल आएगा वो CI कहलाएगा, इनका जो सम टोटल कहलाएगा वो SI कहलाएगा। तो इनका SI कितना हो जाएगा 3600 यानी 3600, और इनका CI कितना हो जाएगा 3972। देखिए बड़ी वैल्यू आ रही है, सेम प्रिंसिपल है, सेम रेट है, सेम टाइम है, इसके बावजूद CI ज्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है ज्यादा? क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल भी इंटरेस्ट दे रहा है और इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट दे रहा है, इसी वजह से CI की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है SI से। क्लियर हुआ? ये एक लौता रीजन होता है कि CI बड़ा क्यों है, क्यों CI को बड़ा भाई कहा जाता है, राइट? क्लियर है? तो मेरे ख्याल से अब आपको कभी भी कभी भी कभी भी SI और CI में दिक्कत नहीं होने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और आप फिंगर टिप्स पे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, राइट? तो चलिए जल्दी से अब वीडियो के पॉइंट्स टू रिमेंबर सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ पर दिखा रखी हैं, कुछ चीजें लिख रखी हैं, इसको आप अच्छे से समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। SI सेम एवरी ईयर एज इट्स प्रिंसिपल डज नॉट चेंज, ये तो उनको मालूम ही है। SI के केस में जो इंटरेस्ट होता है वो हर बार सेम होता है, SI का वैल्यू हर बार सेम आती है ना, क्योंकि प्रिंसिपल बदलता नहीं है। दूसरे में SI एंड CI बोथ विल बी सेम फॉर द फर्स्ट ईयर इफ देयर प्रिंसिपल एंड रेट आर सेम। क्या मतलब हुआ कि SI और CI का जो पहला साल होता है, SI और CI का जो पहला साल होता है देखो सेम आता है, इसमें भी 1200 है, इसमें भी 1200 है। क्यों? क्योंकि CI में क्या है, इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट देता है, बट जब पहले साल की बात आती है तो इंटरेस्ट तो होता नहीं उस समय, तो सिर्फ प्रिंसिपल ही होता है हमारे सामने, है ना, जो इंटरेस्ट दे रहा होता है। तो इसलिए जब प्रिंसिपल नहीं बदला, रेट नहीं बदला, तो फर्स्ट ईयर भी हमारा 1200 रहा, और SI के केस में तो हमेशा प्रिंसिपल दे रहा होता है, तो प्रिंसिपल ही दे रहा है, तो 1200 ही यहां पर भी लिखा गया और यहां पर भी 1200 लिखा गया। तो इसीलिए अगर प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो फर्स्ट ईयर का SI और CI दोनों आपस में इक्वल हो जाता है। ये आपके सामने फॉर्मूला है SI का PRT अपॉन 100 और CI का फॉर्मूला ये है। फिलहाल अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन में, इस पूरे के पूरे वीडियो में हमने कहीं पर भी फॉर्मूला नहीं यूज किया, राइट? तो इसीलिए अगले वीडियो में हम लोग कुछ इस फॉर्मूले पर भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम्स में तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूले पे ही सारे क्वेश्चंस करने होंगे, तभी नंबर मिल रहा होगा, राइट? तो उस टाइम पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसके फॉर्मूले के थ्रू भी करना सीख जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपके पास ये बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी थी, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था पता होना, और साथ में शॉर्ट ट्रिक भी पता होना बहुत जरूरी थी। तो आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, अगली बार मिलेंगे तो और अच्छे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।